ये हमारी अर्पिता और संजना ने बनाया है, पता नहीं क्या बनाया, जो भी बनाया, रोल बनाया ब्रेड का, ब्रेड कटलेट। आज फिर से बहुत तेज हवा चल रही है, देखो कैसे वो चादर लगाई हुई हरी वाली चादर कैसे उड़ रही है। और ये क्या है, बास्केटबॉल है। ये है राकेश कुमार, तकरीबन 15-20 साल से मैं इसको जानता हूँ, 20 से भी ज़्यादा हो गया होगा। और बहुत किया आज बाइक के सामने। ये हो गई तैयार ठाकुर जी की पोशाक। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी ईद, ईद की सभी को मुबारकबाद। लेकिन हम ईद मनाते नहीं, फिर भी हम सभी को मुबारकबाद जरूर देते हैं। और आज हमारे यहाँ बने हैं अर्पिता और संजना ने आज स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है, वो बना भी रही हैं। ये हमारी अर्पिता और संजना ने बनाया है, पता नहीं क्या बनाया, जो भी बनाया, रोल बनाया ब्रेड का, ब्रेड कटलेट, ब्रेड कटलेट कहते हैं इसको, ब्रेड कटलेट। मुझे तो खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ आराध्या और वंश ने तो नाश्ता कर लिया है, अंजलि कपड़े फोल्ड कर रही है, सारे इकट्ठे कर रही है। ये तो हमारी अर्पिता संजना ये बना रही हैं ब्रेड कटलेट, ब्रेड कटलेट कहते हैं। खाके देखते हैं कैसे बने हैं ब्रेड कटलेट। आराध्या कैसे बने थे? बहुत अच्छे, टेस्टी थे। मुझे भी। दीदी को कितने नंबर देगी? टेस्टी है, टेस्टी है, अच्छी है। खाके देखो, टेस्टी है, बहुत 100% टेस्टी है। मैं एक लूंगी मनी। ले लेना। आज फिर से बहुत तेज हवा चल रही है, देखो कैसे वो चादर लगाई हुई हरी वाली चादर कैसे उड़ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है आज। अर्पिता संजना ने बना लिया नाश्ता और देखो खा रहे हैं। स्वाद बने तेरे को कमी दिख रही है, इतने बढ़िया स्वाद बने और खाए सबसे ज्यादा इसी ने है। सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं काम अपना अपना। और ये क्या है, बास्केटबॉल है। इधर अंजलि अपने लिए सूट बनाने जा रही है, कपड़े की कटिंग करके। इन्हें देखो ये डांस कर रही हैं, डांस करके दिखा दे, करो करो। मैं करती हूँ। हाँ वंश, हाँ डांस करना। दोस्तों आज हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, देखो किस तरह पौधे बढ़िया चल रहे हैं। कल मैंने ये नौजिया इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से लगाई थी, देखियो चल गई है। ये हमारी तुलसा जी है, अंजलि ने बैंगन भर के बैंगन बनाए, सफ़ेद बैंगन मार्केट से, हमारे यहाँ पहली बार पंजाब में सफ़ेद बैंगन दिखाई दिए थे। अब हम जा रहे हैं बाजार काम से, बाय बाय बाय। अभी मैं बैठा हूँ अपने एक पुराने दोस्त जिसका एक ढाबा है, राकेश कुमार शर्मा है, और उनका ढाबा तकरीबन 10-15 साल पुराना है। मैं उसी से मिलने आया हुआ हूँ।
आप लोगों को भी मिलाता हूँ। ये है राकेश कुमार, पहले इनके पिताजी चलाते थे तभी से मैं इनको जानता हूँ। राकेश, ये है राकेश कुमार, तकरीबन 15-20 साल से मैं इसको जानता हूँ, 20 से भी ज़्यादा हो गया होगा। और इनका ढाबा है हमारे मलोट में ही, और पूरे मलोट में सबसे सस्ता खाना यहीं मिलता है, उन्होंने बढ़िया खाना मैंने भी कई बार खाया हुआ है। और ये है हमारे प्रमोद भैया, प्रमोद भैया को तकरीबन 30-35 साल हो गए होंगे, है भैया 35 साल हो गए, 30 साल हो गए हैं यहाँ पर। और मेरे जब राकेश के पिताजी थे उस टाइम से हैं प्रमोद भैया यहाँ पर। ये है राकेश का ढाबा। अब मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के, हमारे दोस्त हैं ऑफिस में, ये घर बैठे बैठे क्या करते, मैंने कहा चलो इसे मिल के आते हैं। चलो रास्ते में मनोज के यहाँ जाने से पहले मैंने कहा मनोज भी अकेला है थोड़ी भूख लगी, इसलिए हमने मैरी गोल्ड बिस्किट ले लिए थे 2 पैकेट। अब हम ये लेके मनोज के यहाँ जाएंगे और देखते हैं चाय बनाई तो चाय, नहीं तो वैसे ही खा लेंगे। चलते हैं मनोज के घर जल्दी से। हम पहुँच गए मनोज के यहाँ, ये है मनोज का घर, ऊपर टैंकी है, ये है मनोज का। बाइक सामने ना और आओ ही खड़ी तो जड़ा। ठीक है मनोज भाई, चलते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हम जाएंगे मार्केट और मार्केट से फिर जाएंगे घर पर। ठीक है मनोज, चलते हैं, थैंक यू। घर पे हम आ गए थे, घर पहुँच के अब हम आ गए हैं, घर पे पहुँच के अब हम खाना खाएंगे। और बच्चे सारे नहा रहे हैं, आराध्या हमारी नहा रही है, सिलाई मशीन रखते बैठे अपने लिए प्लाजो बना रही है, सबने नहा लिया, लाइट बहुत लेट आई है तकरीबन, अभी आई तो पैर में ले आओ खाना खा लो। खाना क्या बना? खाना आ गया, अंजलि ने बनाए सफ़ेद वाले भर के बैंगन और ये आलू की सब्जी, मसालेदार आलू की सब्जी और चपाती। अंजलि रखे बैठी है सुबह से, मशीन सिलाई कर रही है और सिलाई में उसने लास्ट में बनाई है ठाकुर जी की पोशाक, ये देखो। ये हो गई तैयार ठाकुर जी की पोशाक, ये लेस और लगाऊंगी यहाँ पे ऐसे। हाँ अच्छी लग रही है। अन्नु दे। दोस्तों हम बाजार से आ गए, बाजार गए थे शाम को और इसमें कोई खास था नहीं ब्लॉग शूट करने के लिए, इसलिए हमने ब्लॉग शूट नहीं किया। और बाजार से आके सब्जी वगैरह ले आए और थोड़ा सा मंदिर होके आए थे। ब्लॉग दोस्तों काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आप नहीं बताया सुनी, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है और इंटरेस्टिंग। ओके थैंक यू, बाय।